आपको यहाँ पर देखिए सीट काउ भी देखने मिलता है। आवाज जो है आपको विशेष साउंड सुनाई देती है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट शिफ्टर्स इंडिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आज आ चुका हूँ फिर से ट्राइम के शोरूम में, जो कि यहाँ पर बानर बाशन लिंक रोड पर है। एंड यहाँ पर आज मैं और एक बाइक की रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, काफ़ी बढ़िया है। आपको इनलाइन थ्री सिलेंडर देखने के लिए मिलता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS का मैंने आपको रिव्यू व्लॉग भी दिया था, उसके बाद टेस्ट राइड रिव्यू भी दिया। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी फटाफट चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ कौन सी बाइक का आज मैं रिव्यू करने के लिए आया हूँ। एंड चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए जी, आपको दिखा देते हैं कि कौन सी बाइक की जो मैं बात कर रहा था। तो ये देखिए, पूरे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलती है 2024 की ट्राइम ट्राइडेंट 660। ये आपको इनलाइन थ्री सिलेंडर देखने के लिए मिलती है। एंड एक चीज़ मैं पहले आपको दिखा दूं, जो मैंने पिछली बार व्लॉग बनाया था RS 765 का, तो देखिए ये वाला जो है येलो कलर यहाँ पे है, कोई कस्टमर की बाइक है। एंड वहाँ पर देखिए आपको सीट कॉल भी लगा हुआ दिखेगा। तो मैंने बताया था कि रोड प्रेजेंट जो है येलो कलर का ज़्यादा सही लगेगा, मुझे सच में बहुत मस्त लग रही है। देखिए कोई कस्टमर जस्ट अभी लेके आया था तो मेरी नज़र पड़ी, सीट कॉल एंड कलर येलो जो है ना बहुत मस्त लग रहा है यार। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी ट्राइडेंट की। तो विजुअली आपको इस बाइक में क्या क्या देखने मिलता है बता देता हूँ। इसमें आपको अभी के 2024 के मॉडल्स में आपको इसमें दो कलर देखने मिलते हैं, एक तो ये जेट ब्लैक एंड एक है येलो रेसिंग, जो कि उस टाइप का कलर आपको देखने मिलेगा जो बाहर वहाँ पे ट्राइम की जो स्ट्रीट ट्रिपल है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे फ्रंट में विजुअली आपको क्या मिलता है बात कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर राउंड में यहाँ पे हेडलाइट मिल जाती है, फुली LED हेडलाइट मिल जाती है। बट अभी ऐसा है कि मैं आपको इसकी ना एग्जॉस्ट साउंड सुना पाऊँगा ना इसका जो है कंसोल दिखा पाऊँगा, बिकॉज अभी इसका जो PDA जो है बाइक का अभी तक हुआ नहीं है। तो एक ही बाइक है एंड टेस्ट राइड की बाइक शायद से अवेलेबल है, वो नीचे पार्किंग में है। अगर पॉसिबल हुआ तो उसका टेस्ट राइड रिव्यू भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टायर्स की बात करें, आपको देखिए मिशलिन रोड 5 के टायर्स मिल जाते हैं। ये डिज़ाइन देख के मैं समझ गया था, बिकॉज मैंने अपाची RR 310 के अंदर आते हैं तो डिज़ाइन देख के मुझे थोड़ा डाउट पहले ही आ गया था। यहाँ पे बढ़िया सा आपको देखिए फेंडर मिल जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं शोगा के, आपको देखिए यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको देखिए लोगो मिल जाता है, यहाँ पर ट्राइम का LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको बढ़िया से, यहाँ पर आपको इसमें एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। ये कुछ मिरर का व्यू है, ऐसा काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पे ट्राइम की बैचिंग आ जाती है, आपको देखिए ये भी जो कंसोल है वो भी आपको देखिए यहाँ पर सर्कल में आ जाता है, काफ़ी सही लग रहा है। एंड बाकी यहाँ पर टैंक जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे एकदम उसको मैट कलर में दिख रहा है, ये मैट कलर दिख रहा है एंड थोड़ा सा ग्रेश कलर है, ब्लैक, मैट ब्लैक बोलते हैं वैसे इस कलर को। तो यहाँ पे देखेंगे आपको देखिए ट्राइडेंट की बैजिंग आज इतनी बढ़िया 3D में लग रहा है। यहाँ पे ट्राइम का स्टिकर, ये जो ट्राइम का जो इस पर लिखा है ना टैंक पे, ये सेम एज इट इज़ आपको 400 में देखने मिलता है, स्पीड 400 में। तो मुझे याद आ गया वैसे, देख के आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है स्पीड 400, तो उस तरह का ही यहाँ पर टैंक पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बढ़िया सा इंजन मिल जाता है, इनलाइन थ्री सिलेंडर मिल जाता है, वहाँ पे हॉर्न है और ये आ गया यहाँ पे रेडिएटर, बहुत सही लग रही है, एकदम बल्की लग रही है बाइक देखने के लिए। अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है टाइटेनियम का, बढ़िया सा आपको स्टेनलेस स्टील यहाँ पर, और ये जो है ना क्रोम की फिनिशिंग है बहुत सही लग रही है, देखिए एक नंबर लग रहा है। यहाँ पे पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सही है, इतना बढ़िया से इसका स्विंगा में देखिए। एंड मोस्टली बाइक्स में आपने देखा ही है कि आपको टेल टाइडी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पे ये नीचे है तो एकदम ये बाइक का जो लुक है एकदम अलग दिख के आता है। ये देखिए इतने बढ़िया से आपको गैबरेल मिल जाते हैं, इतने बड़े। एंड यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे भी आपको ट्राइम का लोगो मिल जाता है, LED टेल लैम्प मिल जाती है, LED हेडलैम्प मिल जाता है, पूरा सेटअप आपको यहाँ पर भी आपको देखिए LED इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स ना कुछ अलग लग रहे हैं, मतलब थोड़े बड़े हैं, बल्कि है। एंड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको दोनों साइड में एंड पीछे रियर में भी। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है सारी गार्ड, ये देखिए यहाँ पर नहीं सिर्फ आपको ऊपर भी, यहाँ पे भी दिया गया, देखिए पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। मोनोशॉक जो सस्पेंशन इसका पूरा आपको यहाँ पर शोभा का ही देखने के मिलता है। सिर्फ एक ट्राइम्प का जो स्ट्रीट ट्रिपल है उसमें जो दो वेरिएंट्स आते हैं उसमें आपको ओलिंस का एंड शोभा का सस्पेंशन जो है मोनोशॉक जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सीट की बात करेंगे आपको यहाँ पर
कुशनिंग तो अच्छी है, मतलब पूरा एक सीट मिल जाता है आपको इसमें, कुछ ऐसा स्प्लिट में नहीं मिलता, तो कुशनिंग जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। राइडर और पिलियन के लिए मुझे तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है। यहाँ पर भी आपको ट्राइडेंट का यहाँ पे 3D में आ जाता है देखिए, और ये कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे ना टैंक ग्रिप्स लगे हो उस टाइप का ये डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लगाया है टैंक पे, काफ़ी सही लग रहा है, लुक बहुत सही है। इसकी आवाज़ ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से स्ट्रीट ट्रिपल जैसी होगी, बट जब मुझे इसका टेस्ट करने मिलेगा तब मैं सारा कुछ बाइक के बारे में बताऊँगा, कैसा पावर है, क्या है। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में देखिए डबल डिस्क देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर चेन ड्राइव है, काफ़ी सही लुक है। जो क्रोम वाला यहाँ पर डिज़ाइन दिख रहा है ना यार, वो बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो बाकी ऐसा कुछ इसका विजुअल में आपको देखने मिलता है। बाकी आपको अभी मैं बाइक का जो प्राइस, फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड, क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है, सारा कुछ मैं आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए उससे पहले आप इसका सिनेमैटिक एंजॉय करिए। हाँ जी, तो आई होप आपने इस बाइक का जो है सिनेमैटिक्स एंजॉय किया होगा। विजुअली जो है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, सिनेमैटिक्स में होप आपने सारा कुछ देख ही लिया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं अभी मेन अभी इंजन की। तो इंजन जो है इसका 660 सीसी मिल जाता है, 660 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 12 वाल्व इंजन विद 6 स्पीड गेयरबॉक्स। एंड BHP की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 81 BHP मिलता है एट 10,250 RPM। एंड मैक्स टॉक की बात करेंगे इस बाइक की, तो आपको इसमें मिलता है 64 न्यूटन मीटर एट 6,250 RPM। एंड अगर बात करेंगे टॉप स्पीड की इस बाइक की, तो कंपनी जो क्लेम करती है वो है 212 का जो आपको इसमें टॉप स्पीड मिलता है, बट फिर भी मेरे हिसाब से 220-225 तक तो आराम से ये बाइक चली जाएगी यार, क्योंकि 660 सीसी है, आपको इनलाइन 3 सिलेंडर मिलता है और आवाज़ भी बहुत सही है। जैसे कि मैंने स्ट्रीट ट्रिपल राइड की तो बहुत मस्त आवाज़ है स्टॉक की। अगर मौका मिला इसका मुझे टेस्ट राइड का तो मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज अभी इसका जैसे मैंने बताया बैटरी कनेक्शन नहीं है, ना तो मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना पाऊँगा, ना तो मैं आपको इसका जो है कंसोल दिखा पाऊँगा, जो है इसका स्पीडोमीटर। सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पे शोवा का मिल जाता है फ्रंट एंड रियर में। तो फ्रंट में जो आपको 41 mm की USD फोक्स मिल जाते हैं शोवा के, रियर में जो है आपको मोनोशॉक मिल जाता है, प्री लोड एडजस्टेबल, वो भी शोवा का ही देखने के लिए मिलता है। एंड टायर साइज की बात करेंगे तो पहले बता दूँ आपको, फ्रंट एंड रियर में आपको 17 inches के अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं पूरे ब्लैक कलर में। एंड फ्रंट का जो साइज़ है वो 120/70, एंड रियर में आपको देखने मिलता है वो है 180/55। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर यहाँ पे हाथ भी रखता हूँ तो देखिए काफ़ी 1/4 मेरा हाथ बच जाता है। तो टायर जो आपको इसमें जो है मिशलिन के रोड 5 देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया ग्रिप है, कॉर्निंग वगैरह के लिए एक नंबर है। एंड डिज़ाइन भी जो इसमें देखने मिलता है वो काफ़ी सही मिल जाता है। एंड डिस्क की बात करेंगे, यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने मिलता है, फ्रंट में आपको डबल डिस्क और पीछे तो सिंगल डिस्क ही मिलती है। एंड फ्रंट का जो डिस्क साइज़ है वो है 310 mm, एंड रियर में आपको जो मिलता है 255 mm का जो डिस्क साइज़ है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक की, जो फ्यूल टैंक जो आपको ट्राइडेंट में मिलता है वो है 14 लीटर का, 14 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे देखने मिलता है। स्ट्रीट ट्रिपल में भी सेम आपको ऐसा ही कैप मिलता है फ्यूल का, वो सेम है। एंड माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है अराउंड इसका 18-20 का, फिर भी आप मतलब 20-22 का इसका माइलेज आराम से ले सकते हो, बिकॉज इतना ही माइलेज जो आपको इसमें 765 स्ट्रीट ट्रिपल में देखने में मिलता है वही आपको चीज़ें इसमें 660 में देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पर कंसोल तो अभी दिखा नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर कनेक्शन अभी फिलहाल है नहीं, ये कुछ ऐसे स्विचेस है, ये नेविगेशन है, यहाँ पे पास लाइट है, यहाँ पे ये देखिए अभी इस बारे में मुझे पता नहीं है ये बटन किस लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है देखिए टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न है, ये मोड्स होंगे यहाँ पर चेक करने के लिए, सेट करने के लिए बटन होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको पार्किंग बटन मिल जाता है जिससे आपके जो चारों इंडिकेटर्स जो है वो दबाने से एक साथ चलने लगते हैं। एंड मिरर्स जो है ना, मिरर्स जो मुझे कुछ एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, जो नॉर्मल टाइप बाइक्स में आपको आते हैं ना, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं लग रहे, एकदम नॉर्मल बाइक की तरह लग रहे हैं इसके जो मिरर्स हैं। बाकी जो है क्वालिटी बहुत सही है आपको यहाँ पर, सिर्फ देखिए क्लच जो है आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं मिलता, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया। ब्रेक लीवर जो आपको फ्रंट का वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। एंड ब्लैक और ग्रे टाइप का भी कलर थोड़ा इसमें देखने के लिए मिलता है आपको, क्योंकि मैट कलर है ये, काफ़ी सही है। क्रोम वाला जो पार्ट है वो बहुत सही लग रहा है मुझे, बाकी एक नंबर बाइक है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे को इसका टेस्ट राइड मिले और मैं आपको टेस्ट राइड करके बताऊँ पावर कैसा है, लो एंड टॉर्क बाइक का कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, राइड करते टाइम कैसा फील होता है,
इसमें तो बताए थे जैसे कि इसमें मतलब आप आराम से इसको जो है लॉन्ग राइड इस पर कर सकते हो, बिकॉज वो मैं एक बार राइड करूँगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। होप मुझे टेस्टेड इस बाइक का मिले, जैसे ही मिलेगा मैं आपको दूंगा। मैं अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बिकॉज बाइक फिलहाल बोलते हैं कि अवेलेबल है या कभी अवेलेबल नहीं भी होती यहाँ वाले शोरूम में, तो आपको मैं टेस्टेड का अगर होगा तो पूरा आपको रिव्यू मैं दूंगा अच्छे से। यहाँ पर आपको जैसे बताया सारी गार्ड मिल जाता है, चेन ड्राइव मिल जाता है, सीट जो है आपको पूरी एक वन सीट मिल जाती है, काफ़ी सही है। गैब्रियल इतने बड़े मिल जाते हैं, जो एक डुकाटी डियावेल आती थी ना उस तरह का मतलब लुक दिखता है इस बाइक का रियर से, एकदम मस्त बाइक है यार। बाकी कंसोल के बारे में मैंने बताया आपको, मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता फिलहाल, कनेक्शन है नहीं तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंसोल के बारे में नहीं बता सकता। बट जब मैं टेस्टेड करूँगा, टेस्टेड वाली बाइक मेरे हाथ में आएगी, जो भी चीज़ें मिस हुई है कंसोल को लेके क्लस्टर को लेके, मैं आपको सारा कुछ क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। हाँ एक चीज़ बता दो, इसमें आपको दो राइडिंग मोड्स देखने मिलते हैं, रेन और रोड। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से इसमें आपको दो राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिलते हैं, रेन और रोड। बाकी जो है बाइक काफ़ी सही है, मुझे बहुत अच्छी लगी बाइक। बस थोड़ा सा वेट करिए, आपको मुझे बताना है इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बस आप एक बार कमेंट करके बताइए बाइक जो है ट्राइम की ट्राइडेंट 660 आपको कैसी लग रही है। तो बात कर लेते हैं अभी इस बाइक के वेट की, तो आपको इसका जो बाइक का वेट है वो है 189 kg। ऐसे देखने में तो बिल्कुल लग नहीं रही कि इतना वेट होगा इस बाइक का। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 150 mm का आपको यहाँ पे देखिए ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, जो कि काफ़ी सही है, मतलब ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा, काफ़ी सही है। मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी है तो आप इजीली आराम से कर पाओगे। एंड सीट हाइट जो इसकी वो है 805 mm आपको इसमें सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। तो चलिए मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ, मेरी जो हाइट है वो है 5.9। ये देखिए अभी मैं साइड स्टैंड भी उतार देता हूँ, तो मेरे जो है देखिए आराम से नीचे पैर लग रहे हैं और मेरी नीज भी फोल्ड हो रहे हैं देखिए, तो आराम से इसको मैं राइड कर पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी हाइट 5.3 5.4 भी है तो आप ट्राइडेंट 660 को आराम से राइड कर पाओगे। आप देख रहे हो ये देखिए दोनों पैर मेरे आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं और फोल्ड भी हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरे पूरे लग रहे हैं, चाहे तो मैं थोड़ा सीट से खड़ा भी हो सकता हूँ। ये देखिए तो ये चीज़ें होती है कई कबार मैं मिस कर देता हूँ। तो मुझे कमेंट आया था लास्ट टाइम, वो व्लॉग था विटपिलन 250 का, तो उस वाले व्लॉग में मैं रह गया था कि अगर मैं सीट हाइट बता दूं तो फिर मैंने चलो कमेंट में तो बता दिया, बट 5.9 हाइट है मेरे आराम से पैर लग रहे हैं। फिर से बता दे दो 5.3 5.4 अगर आपकी हाइट है, अगर आप सोच रहे हो ट्राइडेंट 660 लेने का तो कोई भी इशू नहीं, आप आराम से राइड कर पाओगे। फिर भी अगर आपको डाउट है, अगर आप पुणे में रहते हो तो बानर के यहाँ पर शोरूम में आइए ट्राइम के, आप एक बार टेस्टेड लीजिए आपको कौन सी पसंद है। हाँ जी, तो मैंने अभी जस्ट कलर्स के बारे में कन्फर्म किया है, तो ये जो कलर है ये आपको इसमें पूरा ब्लैक मिलता है, इसमें ड्यूल टोन कलर भी आते हैं जैसे सिल्वर आइस और रेड, जैसे कि ये बाहर खड़ी हुई है ये देखिए सिल्वर आइस और रेड, आपको साइड में देखिए रेड पैनल्स में रेड है। और थर्ड कलर जो आता है इसमें ब्लैक और नियॉन ग्रीन, मतलब जहाँ पे रेड कलर आपको देखने मिल रहा है वहाँ पर आपको नियॉन ग्रीन मिलेगा, मतलब रियर में है थोड़ा साइड पैनल्स में है, जहाँ पर रेडिएटर है वहाँ पर साइड के ऊपर दिया हुआ है। तो उनका सिर्फ अराउंड 14,000 से 15,000 का डिफरेंस आता है। आपको मैं ऑन रोड प्राइस भी इस बाइक का बता देता हूँ, तो ठीक है मैं मेरी बात को करेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इसमें दो नहीं तीन कलर मिलते हैं, एक जो पूरा ब्लैक ड्यूल टोन कलर में जो दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं सिल्वर आइस रेड, एंड जो थर्ड है वो है ब्लैक एंड नियॉन ग्रीन, मतलब जहाँ पे इस जगह पर आपको नियॉन ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइप्स में आ जाएगा और थोड़ा बहुत रियर में आपको दिखने मिलता है। एक बाइक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा आ जाएगा कि आप मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे देखिए सिल्वर आइस रेड में आपको यहाँ पर रेड आ जाता है ग्राफिक्स में, यहाँ पे रेड आ जाता है, एंड रेयर में यहाँ पर आपको रेड मिल जाता है। तो ये तीन जगह पर आपको जो है ब्लैक अगर कलर भी लेते हैं नियॉन ग्रीन के साथ, तो वो तीन जगह पर जो आपको नियॉन ग्रीन एंड बाकी आपको ब्लैक कलर देखने मिलता है। ये कुछ कलर ऑप्शन से तीन आपको इसमें ट्राइडेंट में देखने के लिए मिलता है। तो अपने पास जो अवेलेबल है वो पूरी ब्लैक कलर है, यहाँ पर पूरा मैट ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है, इसको जेट ब्लैक भी बोलते हैं। ये अभी बात कर लेते हैं फाइनल जो है मेन पॉइंट वो है प्राइस की, 2024 की ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 का ऑन रोड प्राइस पुणे में जो है वो है 10,01,000 रुपीज़। आपको 10 लाख रुपये में 660 cc 3 सिलेंडर और एकदम स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है, एकदम सही वाली है, जिसपे आप आराम से जो है ना टूरिंग कर सकते हो, लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा। बट मुझे एक चीज़ का हो रहा है कि आपको मैं एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुना पाया, बट जिस दिन स्ट्रीट ट्रिपल की तरह अगर मुझे बाइक मिलती है तो मैं आपको अच्छे से एग्जॉस्ट साउंड जो आपको सुना दूंगा। एंड डिफरेंस जो है प्राइस में वो बता देता हूँ आपको, ये मिलता है सिंगल कलर, जो ड्यूल टोन कलर जैसे मैंने बताया आपको सिल्वर आइस रेड एंड ब्लैक एंड नियॉन ग्रीन जो आपको आपको डबल कलर्स में आता है उसमें, उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 10,15,000, मतलब ऑलमोस्ट 14,000 का आपको जो है इसमें
डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एंड बाकी जो बात करेंगे फाइनेंस की, अगर आपको मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करेंगे, जैसे कि इसका जो है मिनिमम आपको मोस्टली 20% कम से कम पे करना होता है। जैसे कि अगर 10,15,000 की बात करूँ तो उसका ऑलमोस्ट शो करता है 2,03,000 रुपये। तो 2,03,000 रुपये जो है आप 2,20,000, 2,10,000, मतलब इतना मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप जो है इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हो। बाकी जो है आपको EMI ऑलमोस्ट 4 ईयर्स या 5 ईयर्स जो भी ऑप्शन आपको मिलता है वो बैंक के हिसाब से कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है, तो आप उस हिसाब से जो है बाइक परचेस कर सकते हो। अभी डिपेंड आप पे करता है, आपको ड्यूअल टोन कलर वाला लेना है या आपको सिंगल ब्लैक कलर लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। हाँ जी, तो वेलकम बैक। तो मैंने स्ट्रीट ट्रिपल आपको मैंने अंदर से दिखाई थी, तो ये वाली देखिए आपको येलो कलर जो है, आपको ये येलो रेसिंग कलर आपको देखने मिलता है। एंड आपको यहाँ पर देखिए सीट कवर भी देखने मिलता है, क्योंकि मैंने बताया था कि सीट कवर लगने के बाद बाइक का जो लुक है वो और सही हो जाएगा। बाकी इसमें एग्जॉस्ट तो नहीं लगा है, जो है स्टॉक एग्जॉस्ट है, किसी कस्टमर की बाइक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड कलर कॉम्बिनेशन जो है सिल्वर आइस एंड रेड का सही लग रहा है। ब्लैक एंड नियॉन ग्रीन तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज ब्लैक और नियॉन ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सही है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी स्पेसिफिकेशन आपको इस बाइक में मिलते हैं मैंने सारा कुछ बताया। होपफुली मुझे टेस्ट राइड मिल जाए, तो हो सकता है कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, बट बात तो मैंने यहाँ पे कर दी है, बाइक अवेलेबल हो सकती है। अगर 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाती है तो आपको इसके बाद जो है आपको ट्राइडेंट 660 का टेस्ट राइड ब्लॉग देखने मिलेगा, और अच्छे से आपको मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको उसमें अच्छा है क्या बुरा है, सारा कुछ आपको बाइक के बारे में बताऊँगा। और होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा जो जो चीज़ें मैंने बताई है। बाइक तो मुझे देखिए काफ़ी अच्छी लगी। आपको इसमें कलर वेरिएंट्स में सिर्फ 14,000 रुपये का डिफरेंस पड़ जाता है। फिर से बता देता हूँ, जो सिंगल कलर आपको ब्लैक जो मिलता है उसका जो प्राइस है वो है 10,01,000 रुपीज़। एंड जो ड्यूअल कलर में ऐसा आपको ड्यूअल कलर चाहिए तो उसमें आपको मिल जाएगी, उसका जो प्राइस पड़ जाता है वो है 10,15,000। ऑलमोस्ट 14,000 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है। एंड 20% जो आपको डाउन पेमेंट करना है तो मिनिमम 20% लाइक अगर मैं 10,15,000 की बात करूँ तो उसमें शो करता है 20% 2,03,000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट मतलब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख के ऊपर आप कितना भी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप जो है इस बाइक को घर ले जा सकते हो। मुझे देखिए काफ़ी अच्छी लगी बाइक, बट थोड़ा ऐसा लगता है कि 660 के हिसाब से ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट ये ब्रांड के हिसाब से है। ब्रांड भी जो है ट्राइम का बहुत सही है, बिल्ड क्वालिटी बाइक की जो है सही मिलती है आपको, एक नंबर। आवाज़ जो है आपको विशेष साउंड सुनाई देती है, वो आपको किसी और बाइक में देखने नहीं मिलेगी एक्सेप्ट निंजा H2। बाकी जो है ट्राइम की बाइक सारी अमेजिंग है, जितना मुझसे होगा उतने में ट्राइम्स के जो भी रिव्यू व्लॉग्स है मैं लेके आऊँगा, टेस्ट राइड व्लॉग भी लेके आऊँगा। तो चलिए जी, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।